तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लोग जो हैं वो रिफाइंड यहाँ पर भरने पे लगे हुए हैं, और ये रिफाइंड जो है खाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। जिसके हाथ में जो भी आया, ड्रम, बोतल, बाल्टी, डिब्बे, जो भी है वो लेकर के आए हैं गाँव के लोग, और यहाँ पर इसको भरने में लगे हुए हैं। और इस रिफाइंड के अंदर जो है गाड़ी का इंजन ऑयल निकला था, डीजल निकला था, वो सब मिक्स है। कई बार लोगों ने कहा भी कि भैया मत भरो मत भरो, लेकिन जो है लोग मानने को तैयार नहीं है और भरे पड़े। और अभी आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे टैंकर पलटा है और किस तरीके से निकल करके पूरा तालाब जैसा बन गया है, इतना तेल निकला है। क्योंकि 22 चक्का टैंकर था, बहुत बड़ा टैंकर है ये, और मेरे ख्याल से कम 4000 या 5000 लीटर जो है, या उससे भी ज़्यादा जो है इसके अंदर रिफाइंड होगा। और अभी पूरा टैंकर खाली नहीं हुआ है क्योंकि ढक्कन बंद है, धीरे धीरे आ रहा है इसके। और देखिए आपकी किस कदर रिफाइंड फैला पड़ा हुआ है। एक तो रिफाइंड जो है वो इतना महंगा है, आप सभी लोग जानते हैं कि 150 रुपये 160, या अगर ये बहुत ज़्यादा सस्ता वाला होगा तो भी 100 रुपये तक तो होगा ही होगा। और इतना महंगा रिफाइंड जो है रोड पर बह रहा है, रोड पर क्या, रोड के किनारे एक गड्ढा है, उसके अंदर जो है ये रिफाइंड बह रहा है। और जितना रिफाइंड बचा पाए उतना बचा लिया है, ड्रमों में भर लिया है, क्योंकि जो सीधा टैंकर के अंदर से निकल रहा है वो इन ड्रमों में भर लिया गया है। और छोटी छोटी पिपियाँ रखी हुई हैं उनके अंदर भरा गया है। ये देखिए छोटी छोटी बाल्टी आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही हैं, और क्रेनें भी जो हैं इसको पहुँच रही हैं उठाने के लिए। और लोड है ये, अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, तो इसको एक क्रेन जो है नहीं उठा पाएगी, कई एक क्रेनें जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी तब ये टैंकर जो है उठ पाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी ढेर सारी बाल्टियाँ और ये पिपियाँ रखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, कैने जो हैं, और इसी के अंदर सब सारी ये कैने और बाल्टियाँ जो हैं, ड्रम सब फुल हो चुके हैं। वो देखिए किस तरीके से आपको ढक्कन के पास, टैंकर का ढक्कन जहाँ पर देखिए लोग भर रहे हैं। और इधर यादव जी हमारे जो हैं वो सारी पिपियाँ समेट रहे हैं एक साइड में, और यादव जी की क्रेन पहले ही आ चुकी है यहाँ पर, और दूसरी क्रेनें जो हैं वो पीछे से आ रही हैं। क्योंकि भरा हुआ टैंकर है ये, तो एक क्रेन इसको नहीं उठा पाएगी, 3-4 क्रेनें लगानी पड़ेंगी तब ये जो है सीधा हो पाएगा। और यहाँ पे ड्राइवर साहब ने क्या किया, देखिए पहले तो आप देखिए किस तरीके से बह रहा है ये, देखिए दूसरी क्रेन आ गई है। तो ड्राइवर साहब ने थोड़ा सा नीचे उतारा टैंकर, और आपको मालूम है कि ये छलकता है, पानी हो, डीजल पेट्रोल हो या रिफाइंड हो, कोई भी लिक्विड चीज़ होती है तो वो छलकती है काफ़ी। तो छलकने के उसमें हल्का सा झटका लगा, और झटका लगने की वजह से ये टैंकर जो नीचे पलट गया, और कई लाख रुपए का माल जो इसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि रिफाइंड काफ़ी महंगा आता है आपको मालूम ही है, और अपने देश में काफ़ी आपको मालूम है रिफाइंड और कड़ुआ तेल जो है वो काफ़ी महंगा चल रहा है, खाने वाला जो तेल होता है काफ़ी महंगा है। तो उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाएं, देखिए लोग वो माता जी बैठी हुई एक पीपीआई के अंदर भर रही हैं। और अभी मैं दिखाऊँगा आपको कि इसके अंदर डीजल और मोबिल गाड़ी का जो है, देखिए काला काला आपको नज़र आ रहा है पानी इसके अंदर रिफाइंड में, ये मोबिल भी बह के आया गाड़ी का, ये देखिए। लेकिन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस यही सोच रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया तेल है, भर लो जितना भर पाओ। और इसकी फैक्ट्री देखिए सामने नज़र आ रही है आपको, कोने पर ऊपर देखिए इसकी फैक्ट्री सामने है जहाँ पर ये तेल जा रहा था, ये देखिए मोबिल देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर काला काला नज़र आ रहा है। और डीजल भी मिक्स है इसके अंदर, डीजल नहीं चमक रहा लेकिन मोबिल जो है वो चमक रहा है, गाड़ी का जो तेल इंजन ऑयल होता है वो इसमें मिक्स हो गया है। और ये देखिए कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे बहता हुआ जा रहा है, ये देखिए रिफाइंड और इंजन ऑयल दोनों मिक्स हैं, और बहते हुए ये सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोग भरने में लगे हुए हैं। ये देखिए अभी भी लगातार, मतलब हम यहाँ पर करीब करीब 3.5 घंटे खड़े रहे और तब ये वीडियो कम्प्लीट बन पाया, और तब तक ये बहता ही रहा, इसके अंदर से लगातार निकल रहा है तेल। और इनके पास ड्रम कम पड़ गए थे, कैने कम पड़ गई, तो जब ये कम पड़ गई तो इन्होंने छोड़ दिया, फिर वो बहता ही रहा लगातार। और अभी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको दिखाएंगे जब ये उठेगा तब भी बहता ही रहेगा। और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी झोंक मारती है, क्योंकि जब ये गाड़ी उठाई जा रही थी तब इसमें जो है झोंक मारा बहुत बुरी तरीके से, तो ऐसा लगा कि दोबारा फिर से पलट जाएगा, लेकिन खैर इन्हें क्रेनों ने जो था इस टैंकर को रोक रखा था। तो झोंक दिखाएंगे आपको कैसे झोंक मारती गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए ये मिट्टी से जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बहे ना, लेकिन फिर भी जो है इतना ज़्यादा भर गया यहाँ पर ये रिफाइंड जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यादव जी जो हैं अब यहाँ पे अपना तार वगैरह लगा रहे हैं ताकि इस गाड़ी को सीधा करा जाए, और काफ़ी जुगाड़ लगानी पड़ी क्योंकि जो और गाड़ियाँ होती हैं उनमें तो माल खाली हो जाता है और चेचिस में बांध के गाड़ी सीधी कर दी जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई बांधने की जुगाड़ नहीं है।
तो पहले इसको जो है एक कोने से उठाया जाएगा, इसके नीचे से ये तार डाले जाएंगे, तब जा करके ये उठने के लायक होगा। और देखिए लोगों के आधे आधे पैर जो हैं डूबे पड़े हैं। ये देखिए यादव जी की क्रेन खड़ी हुई है, उधर दूसरी क्रेन खड़ी है और तीसरी क्रेन भी आने वाली है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, कुछ ही देर में पहुंचती है यहाँ पर। और ऊपर देखिए 11,000 वोल्टेज की तार हैं और नीचे यादव जी की क्रेन खड़ी है, तो यहाँ पर गाड़ी को सीधा करना भी जो है काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी रिस्की है। ये देखिए फिर से कट गया यहाँ पर, ये ऑयल जो है फिर से बहने लगा है, तो काफ़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। देखिए काला काला आपको इसमें मोबिल नज़र आ रहा है ना, जो कि गाड़ी का इंजन ऑयल है वो सब मिक्स है इसके अंदर, और यही तेल जो है लोग भरने में लगे हुए हैं और भर भर के ले जा रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि यार इतना हानिकारक तेल अगर वो खाएंगे तो क्या होगा उनकी सेहत के साथ में, लेकिन उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरी क्रेन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो देखिए फिर से रोक दिया गया है ड्रम वगैरह लगा करके ताकि तेल जो है रुक जाए। और देखिए तीसरी क्रेन यहाँ पर लग गई है और यादव जी सामने खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से जुगाड़ बनाई जाए, इसको उठाया जाए। और देखिए अभी यहाँ पे पब्लिक आपको कम दिखाई दे रही है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतनी ढेर सारी भीड़ लग जाती है और इतने लोग जो हैं भर भर के ले जाते हैं, जिसको जो भी मिल रहा है वो लेकर के जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आज तो हमारी जो है लॉटरी लग गई है, और नीचे गिरने के बाद तो ये तेल ख़राब ही हो गया है, तो इसलिए किसी ने इनको रोका भी नहीं। उन्होंने जिनका ये तेल है उन्होंने खुद कहा कि भैया भर ले जाओ जिसको भरना है, क्योंकि बहा जा रहा है और सारी कैने ड्रम और जो पिपियाँ हैं वो सब फुल हो चुकी हैं और जगह भी नहीं है अब कि कहाँ इसको रखा जाए। तो देखिए अब हाइड्रा भी आ गया है, तीन क्रेनें और एक हाइड्रा जो है यहाँ पर पहुँच चुका है इसको उठाने के लिए। ये देखिए और इसको जो है हल्का सा उठा करके इसके नीचे से तार वगैरह डाले जा रहे हैं ताकि जो सीधा कर दिया जाए इसको। और अभी मैं आपको मिल भी दिखाऊंगा। तो देखिए दो क्रेनें जो हैं जोर लगा रही हैं, तो कुछ इस तरीके का सीन हो रहा है, क्रेनें जो हैं आगे से उठ जा रही हैं, दो क्रेनें जब जोर लगाती हैं। और देखिए हाइड्रा भी आपको उठा हुआ नज़र आ रहा है, पीछे के पहिए उठ गए, तो दो क्रेनें इसको नहीं उठा सकती क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो दो क्रेनें इसके पीछे खड़ी हुई हैं वो इसको उठाएँगी। देखिए ज़रा क्रेनों की हालत देखिए, पहले आगे से खड़ी हो गई हैं, ये देखिए किस तरीके से खड़ी हुई है। लोग देखिए बाल्टियाँ लेके जा रहे हैं भरने के लिए, जिसे जो मिल रहा है वो अपना भरने में लगा हुआ है। और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, देखिए दो क्रेनें आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए लोग अभी भी भरने पे लगे हुए हैं, पिपियाँ हैं लोगों के हाथ में, कैने हैं, बाल्टी हैं। और अभी मैं दिखाऊँगा एक माता जी हैं जो हाथों से भरने में लगी हुई हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्रेन जो है वो आगे से खड़ी हो गई है और देखिए लोग आगे तक दूर तक काफ़ी जो है ये बहता हुआ गया है, तो लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वहाँ अपने भरने में लगे हुए इसको। देखिए पन्नी में भर रहा है ये लड़का एक बैठा हुआ, लेकिन ये खाने के लायक तेल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझदार नहीं है या अकलमंद नहीं है, जो ये जानते नहीं है कि ये मिट्टी में पड़ा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी मिली। देखिए माता जी हाथों से भरने में लगी हुई है, मिट्टी मिली हुई है, डीजल मिला हुआ है और मोबिल मिला हुआ है, सब मिलने के बाद में ये तेल जो है अब किसी भी हालत में खाने के लायक नहीं बचा है। और जो मिलों में आपको मालूम है जो नमकीन की फैक्ट्री वगैरह होती हैं उसमें काफ़ी सस्ता वाला तेल यूज़ किया जाता है, तो वही रिफाइंड है ये। ये देखिए काला हो गया लेकिन फिर भी लोग भरे पड़े हैं, ये देखिए रंग बदल गया है इस रिफाइंड का, पीला पीला था अब काला हो गया है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं भरे हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से भर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और अभी आपको दिखाएंगे कि ये टैंकर जो है कैसे सीधा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है चारों क्रेनों ने जो है मोर्चा संभाल लिया है और इसकी मिल भी आपको सामने दिखाई दे रही है कोने पे। ये देखिए भीड़ कितनी लग गई है, तो अब इसको जो है सीधा करने की बारी हो गई है और काफ़ी जुगाड़ से जो है इसको सीधा किया जा रहा है। और ऊपर आपको तार भी नज़र आ रहे हैं, तार भी बिल्कुल साइड में लगे हुए हैं, तो चलिए सामने से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए तीन क्रेनें जो हैं ये सामने से आपको साफ क्लियर दिखाई दे रही हैं और लोग देखिए हाथों में हर किसी के आपको बर्तन नज़र आएगा कोई ना कोई भरने के लिए। तो यहाँ पर जो है अब क्रेनों ने ज़ोर लगाना शुरू कर दिया इसको सीधा करने के लिए। पब्लिक देखिए कितनी इकट्ठी हो गई है और ये हमारे ठीक शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ये पलटा है और एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जा रहा था उससे पहले ही ये नीचे गिर गया। तो देखिए अब सीधा होने लगा है टैंकर और अभी आपको दिखाएँगे कि ये झोंक जो है वो कैसे मारता है।
तो देखिए सीधा होने लगा, टंग गया पूरा पीछे से, और आगे से भी जो है हाइड्रा इसको खींच रहा है। और फिर अभी आपको दिखाएंगे कि नीचे से इसकी क्या हालत हुई है, वो भी आप देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी झोंक देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए फिर से उठा है। तो इसी झोंक की वजह से ये जो था पलट गया। देखिए दो बार इसने झोंक मारी है, क्योंकि इसके अंदर अभी ऑयल जो है वो बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए कि कितनी जुगाड़ से इस टैंकर को उठाया गया, और काफ़ी लाखों रुपए का जो है यहाँ पे नुकसान भी हो चुका है, और कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है इस टैंकर की, देखिए क्या हालत हुई है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।